मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पदयात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। मैं इंटिमिडेट नहीं होता हूँ, कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। राहुल जी, कल अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और मेगा शो हुआ वहां पर, और उसका जो एक असर है वो आप जब नौगांव से मोरीगांव के रास्ते में आपने भी देखा होगा, जगह जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये जो राम लहर है, इसका मुकाबला करने का क्या प्लान है राहुल गांधी के पास कांग्रेस? नहीं देखिये, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। नहीं देखिए, एक्चुअली ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पदयात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं है, तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है, राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं उनको क्यों रोक रहे हैं, राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं उनको क्यों रोक रहे हैं, पदयात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती, वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, हमारी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं, तो क्लैरिटी तो बहुत मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। देयर इज ए क्लियर प्रॉब्लम इन दिस स्टेट, राइट। नंबर वन, एज आई हैव सेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर्स इन द कंट्री। सेकेंड, वेन एवर आई एम मूविंग अराउंड दिस स्टेट, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising, and we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. आपने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, हमने उसको कवर नहीं किया था। इस यात्रा में हम देख रहे हैं कि अटैक आपके ऊपर हो रहा है, और जब भी आप आवाज उठाते हैं तो अटैक गांधी परिवार के ऊपर होता है, तो आपको अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं, क्योंकि बीजेपी के वर्कर्स आपके सामने आ जाते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी चिंतित नहीं होते? नहीं, अटैक नहीं करने की कोशिश करते, और अगर करें भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं इन चीजों से नहीं डरता। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इंटिमिडेट नहीं होता हूं, कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूं, और पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूं, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूं, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता।